नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए जो हम सीबीटी एग्जाम के लिए एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं उसमें आज का वीडियो नंबर 9 है। इस 9 वीडियो नंबर में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, जो पिक्चर दिखाई दे रहा है यह लेथ मशीन का पिक्चर है, उसको हिंदी नाम खराद कहते हैं। तो जो यह लेथ मशीन है हिंदी नाम खराद कहते हैं, तो खराद वाला पहले ऑप्शन में दिख गया, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्या है सवाल, तो यह जो एक्स दिया है ना, एक्स एक्स माने इसको तो ये धुरा है, उसका बड़ी बड़ी चौकी से छोटी चौकी कनेक्ट है, तो धुरा से कनेक्ट है, धुरा पर इसको धुरा बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा पिक्चर क्लियरली नहीं है लेकिन यह धुरा है, तो आएगा होकर एग्जाम में तो एकदम सेम ऐसा ही आएगा, आपको तुरंत पकड़ रखी है। तो लेथ मशीन था, एक से जो डिनोट कर रहा था यानी खराब यानी धुरा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ये जो है ये धुरा। आपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ सिक्स पोल स्टेटर ऑफ मोटर, मतलब सिक्स पोल स्टेटर मोटर की विद्युतीय डिग्री। तो अभी पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे आपको एक फॉर्मूला, जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है 180 गुणे पोलों की संख्या, नंबर ऑफ पोल, 180 गुणे पोलों की संख्या। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री थीटा ई बराबर, इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 गुणे कितना पोल के लिए, सिक्स पोल स्टेटर मोटर, तो सिक्स पोल के लिए तो कर दीजिए जीरो, मतलब ये ऑप्शन आ रहा है। अरे 18 छक्का 108 होता है ना, एक जीरो ये, तो 1080 अंश यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नाम आसान था ना ये, तो आते हैं अगले। देखिए क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वाइल पर, देखिए जैसे कर रहे वैसे कर देंगे, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है क्वाइल, क्या कैलकुलेट करना है, तो क्वाइल पर माने बटा होता है फेज, पर पेयर ऑफ पोल, तो क्वाइल पर फेज पर पोल, तो पर पोल, अच्छा पर पोल भी कह रहा है लेकिन पेयर ऑफ पोल्स कह रहा है, तो द पेयर में जोड़ा के रूप में रखेंगे, तो दो पोल है तो जोड़ा कितना हुआ इसका, एक हुआ, वैसे पेयर लिख दे रहे हैं पेयर पोल, तो मान भर दीजिए कितना क्वाइल है इसमें, दो पोल है यानी एक पेयर, 12 स्लॉट है और 12 क्वाइल है, 24 स्लॉट है और 12 क्वाइल, तो 12 क्वाइल, फेज कितना है 3 फेज, और पेयर पोल कितना है, दो पोल का है तो एक पेयर होगा, तो गुणा कर दीजिए 3 × 4 = 12 यानी 4 आ रहा है। जो पूछ रहा है वो हम किया और कुछ नहीं किया, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, पूछ रहा है ना कि क्वाइल पर फेज पर पोल, तो क्वाइल रख लिए, अब पर फेज माने बटा में, पर पोल माने बटा में, लेकिन जो पोल है वो पेयर में बोला तो पेयर में रख लिए हम, 4 आ रहा है यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सवाल अच्छा से पढ़िए, एकदम एकदम इजी है सवाल। आते हैं आगे, जो अगला है यह किस प्रकार का स्टार्टर है, तो देखिए यहां पर पहले क्या बनाया है, बनाया जो है डेल्टा बनाया है, अब क्या बनाया है स्टार बनाया है, तो डेल्टा स्टार, डेल्टा भी बनाया स्टार बनाया है, तो डेल्टा स्टार स्टार्टर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अच्छा देखिए कभी 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 नहीं ये भी पूछ लेगा, ऐसे बना देगा यहाँ लिख देगा डी ओ एल, तो यह डोल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हो गया, कभी कभी ऐसे करके पूछ देता है, ऐसे बनाएगा यहाँ से ऐसे देगा और यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, पिछले जो आया था तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, तो देख लीजिए 3 में से एक तो बार बार पूछता है, ये आया था एक बार, ये आ गया स्टार डेल्टा स्टार्टर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए जो पिच फैक्टर होता है, पिच फैक्टर इसको केसी से डिनोट करते हैं, पहला तो इसका एक फेमस फॉर्मूला कास अल्फा बाई 2 होता है, और दूसरा बाइंडिंग पिच बटा में पोल पिच होता है, दो ही फॉर्मूला है, कास अल्फा बाई 2 और एक बाइंडिंग पिच बटा में पोल पिच, पिच फैक्टर याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, तो बाइंडिंग पिच बटा में पोल पिच। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है पोल बाइंडिंग को, अच्छा देखिए जो पोल बाइंडिंग होता है, एक तो ये क्या था इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन क्या था, पिच फैक्टर था, एक पोल पिच अलग है, अलग चीज है पोल पिच, तो वही पूछा है ना कि पोल पिच इज द मेजर्ड, तो पोल पिच के लिए क्या होता है ना कि जितना स्लॉट होंगे और जितना उस पोल आप बनाएंगे तो नंबर ऑफ स्लॉट में पोल से डिवाइड कर देंगे तो पोल पिच आता है। कोई कोई स्टेटर है, कोई स्टेटर, तो स्टेटर में कितना स्लॉट है उसमें जितना पोल से आप भाग दे देंगे तो पोल पिच आ जाता है, तो वही पूछा है कि पोल पिच मेजर्ड, तो पोल पिच के लिए ना नंबर ऑफ स्लॉट बटा में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, नहीं टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री नहीं, नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर ठीक बटा में नंबर ऑफ पोल, सी ऑप्शन सही है, पोल पिच मेजर करने के लिए टोटल स्लॉट में पोल से भाग दे देंगे तो पोल पिच प्राप्त हो जाएगा,
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वाइल की औसत परिधि की गणना की। देखिए औसत मान कभी भी निकाला होता है, कोई भी सीरीज होती है, पहला मान अंतिम मान बटा में दो कर देने से औसत पीछा जाता है, तो औसत के लिए माइनस और माइनस तो कभी नहीं रहेगा। अब बाटा दो संख्या है तो बाटा में दो आने चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, माइनस वाला होगा नहीं, माइनस वाला होगा नहीं, बच गई ये, यानी बी ऑप्शन सही है। वैसे भी इनपुट आउटपुट बटा में दो औसत के लिए ना फॉर्मूला होता है, इनपुट आउटपुट बटा में दो एलएम के लिए, तो औसत फॉर्मूला के लिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 पोल वाले एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर तुल्यकालिक गति क्या है। अच्छा 6 पोल के लिए सिंक्रोनस स्पीड कितना आता है, फॉर्मूला आता है ना 120 CF/P, इस पर मान भरेंगे 120, 50 हर्ट्ज और 6 पोल, 6 × 12 = 20 और 5 × 10 यानी 1000 RPM, 1000 RPM आ रहा है। याद भी कर लीजिए, 2 पोल के लिए 3000 RPM, 4 पोल के लिए 1500 RPM और 6 पोल के लिए 1000 RPM, तो 6 पोल के लिए सिंक्रोनस स्पीड 1000 RPM आ रहा है। पूछा क्या है, यही पूछा है सिंक्रोनस गति का स्पीड क्या होगा, 1000 RPM होगा। 120 A/P फॉर्मूला आता है सिंक्रोनस स्पीड के लिए, 6 पोल के लिए 1000 RPM, 2 पोल के लिए 3000, 4 पोल के लिए 1500 RPM आता है। आके हैं आगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर में परसेंटेज स्लिप की गणना करिए। 50 हर्ट्ज आवृत्ति है और 6 पोल है, तो देखिए परसेंटेज जो स्लिप था इसके लिए फॉर्मूला हम क्या बताए थे, NS − NR/NS गुणे 100, यही तो था परसेंटेज स्लिप के लिए। अब 6 पोल बोला है तो इसके लिए सिंक्रोनस स्पीड 1000 होगा, अभी निकाले थे। स्पीड कितना दिया है, 960, जो रोटर का स्पीड है 960 दिया है, रोटर का स्पीड कितना तो 960 दिया है, अब बटा में ये 1000 RPM गुणे 100, यहाँ घटा देंगे तो 40 आ जाएगा, अब बटा में कितना है 1000 है गुणे 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4% बच गया, 4% यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला याद रहेगा, एकदम इजी सवाल है, 4%। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रोटर की आवृत्ति क्या होती है। देखिए पहला तो आपको हम बता दें कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है ना, रोटर की फ्रीक्वेंसी S × F के बराबर होता है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में स्लिप जो होता है हाई होता है, 1 होता है, तो स्टार्टिंग टाइम में स्लिप का मान 1 होता है, एट स्टार्टिंग, STARTING, स्टार्टिंग टाइम में, तो स्टार्टिंग टाइम में S का मान 1 हो जाएगा, तो जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी उसी के बराबर हो जाएगी, तो वही ना आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर हो जाएगा, और कोई 3 गुना तो कभी भी संभव नहीं है, तो इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। अच्छा जो इंडक्शन मोटर है उसके रोटर पर वोल्टेज कैसे बन जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण बनता है, मतलब जो ट्रांसफार्मर जैसे बनाता है ना, प्रथम बाइंडिंग में सप्लाई देते हैं और इलेक्ट्रिकली सेकेंडरी बाइंडिंग कनेक्टेड नहीं होता है फिर भी सप्लाई चला जाता है, तो कैसे जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कारण। ठीक वही इंडक्शन मोटर को भी हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसको रोटेटेड ट्रांसफार्मर कहते हैं, इंडक्शन मोटर को इसका नाम भी है कि रोटेटेड ट्रांसफार्मर कौन सा है, तो इंडक्शन मोटर रोटेटेड ट्रांसफार्मर होता है। तो इंडक्शन मोटर कैसे काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, म्यूचुअली कहीं नहीं दिया है लेकिन ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा, तो ये सही हो जाएगा, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा, ट्रांसफार्मर मतलब म्यूचुअली कार्य द्वारा, तो सही होता है, रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूज होगी वह म्यूचुअली द्वारा, मतलब ट्रांसफार्मर जैसे वर्क करता है उसके द्वारा। आगे, अपने रोटर पक्ष से 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने का कौन सा है। तो देखिए रोटर को नियंत्रण, 3 फेज स्क्वायरल केज भी दिया है ना, तो स्क्वायरल केज रोटर को नियंत्रण करने के लिए कैस्केड मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो पहला ही ऑप्शन दिख गया कैस्केड ऑपरेशन, कैस्केड कंट्रोल मेथड जो होता है कि रोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग की जाती है, वो भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए। स्लिप रिंग के लिए कहता तब उसके लिए अलग से जो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, तो रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड भी, स्लिप रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड भी, और भी बहुत सारा मेथड आता है, तो यहाँ पर ये बोला है कि रोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए, तो कैस्केड ऑपरेशन इज अ करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए ना ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, इंडक्शन मोटर का दो ही टेस्ट होता है, एक नो लोड टेस्ट, एक ब्लॉक्ड टेस्ट। ब्लॉक्ड टेस्ट जो होता है, जो ब्लॉक कर दी जाती है रोटर को, मतलब उस पर लोड नहीं दिया जाता है, उसको लॉक कर दिया जाता है, तो जो ब्लॉक्ड टेस्ट होता है कॉपर लॉस को देता है, और नो लोड टेस्ट कोर लॉस को देता है, और नो लोड टेस्ट ओपन सर्किट की तरह बिहेवियर करता है, और ब्लॉक्ड जो ब्लॉक किया गया है ना, ब्लॉक किया गया है, तो ब्लॉक्ड टेस्ट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेवियर करता है, और
शॉर्ट सर्किट वाला कॉपर लॉस देता है। तो ब्लंट टेस्ट कॉपर लॉस की कमी, मतलब कॉपर लॉस को बताएगा, कॉपर लॉस को बताएगा ब्लंट टेस्ट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेवियर करता है, रोटर को ब्लॉक कर दी जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों की जाती है? भैया जो बाइंडिंग होता है उसको प्री हीटिंग क्यों की जाती है, मतलब हीट, हल्का सा हीट से उसको क्यों दिया जाता है? इसलिए क्योंकि जो भी नमी उमी होगा वह दूर चला जाए, नमी को हटाने के लिए प्री हीटिंग की जाती है। तो विकल्प को पढ़ लेंगे, वार्निश को जल्दी सुखाने के लिए, ठीक है, जल्दी सुखाने के लिए उचित विकल्प नहीं है, नमी हटाना उचित अच्छा विकल्प है, तो ये तो होगा नहीं। और बाइंडिंग में वार्निश आसान प्रवाह के लिए ये भी नहीं होगा, इंसुलेशन प्रतिरोध को मूल्य बढ़ाने के लिए ये भी नहीं होगा, वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, नमी को बाहर निकालने के लिए प्री हीटिंग की जाती है। जो परफेक्ट आंसर है उसको मारेंगे, वैसे तो सब सही है लेकिन जो सबसे बेस्ट है ऑप्शन उसको मारेंगे, तो नमी को बाहर निकालने के लिए प्री हीटिंग की जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। एक बात बता देते हैं, हम डीसी जब पढ़ा रहे थे उसमें क्या आ रहा था, एक्सटर्नल ग्राउलर। एक्सटर्नल ग्राउलर तीन टेस्ट देता है, ग्राउंड टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जो भी आकृति का होता है आर्मेचर की टेस्टिंग की जाती है, आर्मेचर को रख देते हैं, शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, ग्राउंड टेस्ट है, तीनों चेक कर लिया जाता है एक्सटर्नल बाहरी ग्राउलर से। अब ये आ गया है हम लोग के पास इंडक्शन। इंडक्शन में जो स्टेटर पार्ट होता है, स्टेटर भारी पदार्थ है, उसमें ज्यादा बाइंडिंग की जाती है, तो स्टेटर को चेक करने के लिए आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग की जाती है, आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग की जाती है। तो आंतरिक ग्राउलर अभी क्या चेक करेगा इसमें, तो ग्राउंड टेस्ट को छोड़कर दोनों टेस्ट कर देगा, ओपन सर्किट टेस्ट भी कर देगा और शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कर देगा। किसका, तो स्टेटर का। स्टेटर आंतरिक ग्राउलर से, इंटरनल ग्राउलर से स्टेटर की बाइंडिंग चेक की जाती है और ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों को। तो यही पूछा है कि एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर ही पूछ दिया, आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किस प्रकार की परीक्षण के लिए करते हैं, तो नहीं आंतरिक है इसलिए ग्राउंड टेस्ट नहीं, ये तो कभी नहीं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट सही आंसर है, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों करता है आंतरिक ग्राउलर। आते हैं अगले क्वेश्चन, और वो भी जो स्टेटर होता है उसका। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू टेस्ट स्टेटर बाइंडिंग। लीजिए, स्टेटर बाइंडिंग की टेस्ट करने के लिए आ गया, स्टेटर स्टार्टर जो होता है ना, स्टेटर बाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का परीक्षण करने के लिए इंटरनल, अभी तो हम पढ़ाए थे आपको, इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है, यानी इंटरनल, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। एक्सटर्नल का तो आर्मेचर बाइंडिंग, वो भी डीसी में करते थे हम लोग शॉर्ट सर्किट और उसका, तो वो आर्मेचर बाइंडिंग का, लेकिन यहाँ क्या दिया है, स्टार्टर बाइंडिंग का। तो जो 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 स्टार्टर होता है ना, स्टार्टर चाहे स्टेटर, तो उसके लिए की जाती है, और इंडक्शन चल रहा है जो स्टेटर पार्ट होता है उसका, तो इंटरनल शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट के लिए इंटरनल ग्राउंड का प्रयोग करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आज का अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? अच्छा, जो आयरन होता है ना, आयरन कपड़ा प्रेस करने वाला, जो आयरन होता है, जो कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन होता है उसमें क्या लगा रहता है, थर्मल कटआउट लगा रहता है। जैसे एक नियत टेम्परेचर से ज्यादा हीट होता है, ऑटोमेटिक कटआउट हो जाता है, जो उसमें से सप्लाई होता है ऑटोमेटिक कट जाता है। तो क्या इसमें से ऑप्शन क्या होगा कि जो ओवरलोडिंग वाला वोल्टेज है, लगातार ओवर वोल्टेज होती रहेगी तो अपने आप कटआउट कर देगा। तो देख लेते हैं, भारी लोड संरक्षा करने के लिए नहीं, हाई वोल्टेज से बचाव के लिए ये भी नहीं, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति देने के लिए ठीक है, सी ऑप्शन। जब आयरन होता है लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति देता है, और ज्यादा जब हो जाता है तब जाकर वो कटआउट कर भी देता है, तो थर्मल का पूछा है, थर्मल कटआउट का प्रयोग, तो लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति देने के लिए थर्मल कटआउट का प्रयोग की जाती है, अनुमति देने के लिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन, अच्छा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।